Hey guys, welcome back to my channel, RF Entertainment. तो कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोग देख सकते हो मुझे कितनी ज़्यादा टैनिंग हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा काली हो रही हूँ, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक हैं इंजॉय तो फुल करना है। हम जा रहे हैं मम्मी को लेने स्कूल, क्योंकि आज मम्मी की गाड़ी ख़राब है तो मम्मी अकेले गई हैं पैदल, तो अभी हम जा रहे हैं मम्मी को लेने के लिए। चलो चलते हैं, अभी हम लोग मम्मी को लेने के लिए जा रहा है। हमारा मोटा भैया और आरू की हालत आप लोग देख सकते हो, ये खेल खेल कर एकदम इसकी हालत खराब हो गई। ये पूरा ऐसे जंगल पहाड़ होके ऐसे जाते, ये पूरा सामने पहाड़ है। मैं भी थी तो मैं अपने स्कूल 5 to 6 किलोमीटर पैदल चल के जाती थी, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था। तो सब समय बदलता रहता है और अपने टाइम को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अभी तो मेरे मम्मी के घर की भी हालत अच्छी है, मम्मी भी मेरी जॉब करती हैं, पहले भी कर रही थी, बट पहले गवर्नमेंट में आप लोग को पता ही है पेमेंट कितनी कम होती है, तो मम्मी का ऐसे ही था। और पापा मेरे बहुत सारी जॉब किए लेकिन वो छोड़ देते थे, वो करना नहीं चाहते थे। तो हम लोग मम्मी का स्कूल पहुँच चुके हैं बात करते करते। तो ये रहा मम्मी का स्कूल। मेरे एक्चुअली दो स्कूल है, एक में 5th तक लगती है और एक में 7th और 8th लगती है, 6, 7, 8 लगती है। तो एक ये है और एक वो स्कूल है मम्मी का, ये वाला। इधर ही होंगे ना? नहीं नहीं आगे है, आगे। हाँ तो मम्मी मेरी 8th तक में है और यहाँ पे आप देख सकते हो पहाड़ है, दूर दूर तक कोई घर नहीं है जहाँ पे मम्मी पढ़ाने आती हैं। आ गए लल्ला, रानी की स्कूल देखने। देखो तुम्हारे लिए मैं बैग, ये मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत सारी बेर इकट्ठा करके रखी है। मम्मी को पिक कर लिया, उठवा लिया है। मम्मी ठंड लग रही है, आप शॉल ली है? इतनी तेज धूप है यहाँ पे और पूरा जंगल में मम्मी के स्कूल है। यहाँ अकेले 4 सिर्फ टीचर हैं। एक्चुअली मम्मी ही यहाँ की हेड हैं, तो मम्मी ने गेस्ट टीचर रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे गांव में बहुत ज़्यादा टीचर नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे ही नहीं आते स्कूल, इसलिए उनको ज़बरदस्ती मम्मी लोग घर जा जा कर बुला के लाती हैं। तो मेरी मम्मी लाई हैं स्कूल से बेर, मेरे पापा गए थे कहीं पूजा करवाने, तो ये वहाँ का प्रसाद है। वहाँ बन रही है दोपहर की चाय और ये मेरी बड़ी मम्मी है, 70 साल की हैं और आज भी ऐसी ही है। हमारी चाय हो गई और यहाँ पे मेरे चाची के घर में ये पोई है, ये एक तरह का साग होता है, इसके पकौड़े बनते हैं, इसकी सब्जी बनती है, भाजी बहुत अच्छी लगती है इसकी। तो मैंने मेरी चाचा की लड़की को बोला कि चलो हम दोनों तोड़ते हैं इसको और इसका या तो सब्जी या तो पकौड़े बनाएंगे। हमको तो बहुत अच्छा लगा था पकौड़ा, पहले मम्मी बनवा रही है। यार बहुत सारे पत्ता हैं, कौन तोड़ी कौन छोड़ दे। इसकी सब्जी बहुत बढ़िया लगती है ना, आलू के साथ बनती है और चावल है ना इसकी। बहुत अच्छी आती है चावल और ये वाला साग। ये क्या हो गया, मेरे ब्लड निकल रहा है। अरे ब्लड नहीं, ये जो ये मैं समझी। हाँ। मुझे याद आया। हाँ। ये ऐसे होता है, एक मिनट में दिखाती हूँ। ये एक्चुअली ना ये मेरे ब्लड निकल रहा है। और मैं लगा के रमेश को डराऊंगी। इतनी सारी मैंने भाजी तोड़ी है और ये मेरे पास इसके दाने हैं, अभी मैं रमेश को डराने वाली हूँ क्योंकि इसको लगा के ना एकदम रेड रेड ब्लड जैसा निकलने। आरू तुम बताना नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटे। ये सुनो, क्या हुआ? मम्मा के पास तेज खून निकल रहा है, जल्दी आओ। ये क्या हो गया? ये खून इस तरह का थोड़ी होता है यार, नट कुछ भी बोलती है। ये पता नहीं निकलेगा कि नहीं। निकल जाएगा, मैं मेरा तो निकल गया है, दिल लगा के घिसो इसको ऐसे ऐसे। मेरे पता है मैं तोड़ रही थी भाजी, मेरे लगा बेटू मेरा हाथ कट गया, बोलते हैं
उसका दहाना है, मैं देख ही नहीं कि मेरे दर्द नहीं हो रहा, मेरे ब्लड कैसे निकल रहा है। आ रहे हैं खेत की सैर करने। कितना सारा खेत है। और इधर मुझे भाजी खानी थी चने की, लेकिन शाम हो गई, मैं थोड़ा सा वीडियोस रील्स शूट कर रही थी तो शाम हो गई। तो आप लोग भी मेरे इंस्टा पे रील्स देखा करो, जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टा पे, प्रेटी गर्ल शालिनी नेम से। और वो मेरा घर रहा, वहाँ दिख रहा है, और हम लोग यहाँ आए हैं। मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी कि मुझे भाजी मिल जाए खाने को, है ना बेटू? हाँ। तो देखते हैं, अगर भाजी मिल गई तो खा लूँगी। बहुत मन हो रहा है, क्योंकि पता नहीं मैं कब चली जाऊँगी फिर से दिल्ली। तो चारों तरफ हरियाली है। भाजी कहाँ दी यार, गोल तो जिनखर खेत आना वो मरवाओ करी ही। ना हम कमी ली गए। अरे छोटी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। हाँ तो इसमें छोटी छोटी रहती। अरे सच में थोड़ा दिन में आती ना तो अच्छा रहता है ना। अभी आती हूँ, देख मैं इसको खा के दिखाऊं। मुझे थोड़ी सी भाजी मिली, अंधेरा ज्यादा हो गया तो दिख ही नहीं रहा, भाजी तो बहुत है। तो मैं कभी दिन में आऊंगी फिर खाऊंगी। आग जलाई गई है मच्छर निकालने के लिए। इसका जो भी धुआं होगा सारे रूम में मम्मी ले जाएंगी और इस पे नीम की पत्ती डालेंगे। अच्छा यहाँ पे पूरा बालू वगैरह कब गिर जाओगे, यहाँ की दिक्कत नहीं है। देखो आ रहा है वो, फिर भी क्यों नहीं मान रहा है। हो गया, आने दीजिए, हो गया, आओ आराम से आना, ये सब लग जाएगा। आरू लोहे बहुत सारा पड़े हैं, यहाँ एक्चुअली काम लगा होगा। क्या कर दिए, टेस्टिंग चल रही है कि नेटवर्क ऐसा नेटवर्क आएगा, इनका कॉल हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि अगर इनकी कॉल नहीं हो पाएगी तो हमें जल्दी यहाँ से जाना पड़ जाएगा, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी ले ली है 2 दिन की, और उससे ज़्यादा अब लेंगे नहीं तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। दीवाना है दीवानी। सो गाइस, आज क्योंकि राइस खाए नहीं थे कोई भी, तो आज घर पे बना है। जो मैं भाजी तोड़ के लाई थी वो भाजी एंड चावल। तो गाइज कल हो गई थी रात और ब्लॉग पूरा हो नहीं पाया था, तो हमने सोचा आज मॉर्निंग्स को हम ऐड कर देंगे। तो आज अभी मम्मी रेडी हो रही हैं स्कूल के लिए, एक साइड मम्मी खाना भी बना रही हैं और अरब का चल रहा है एग्जाम। बटन क्या, शिफ्ट क्लिकिंग स्पेस बार इरेजर, क्या होगा, कौन सा बटन? खाना बन रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं टमाटर की चटनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो सिल पे बनती है टमाटर की चटनी वो बहुत ही टेस्टी लगती है, तो मैं आज ऐसा ही कुछ बनाने वाली हूँ। मम्मी इधर पे गैस में खाना बना रही हैं, तो मैं वो चटनी बना के लाती हूँ और दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं यहाँ पे गाँव में चटनी। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे चाची के यहाँ पे चटनी बनाने के लिए, और ये मेरा भाई लिया, दिखा भाई, टमाटर और धनिया की पत्ती। तो ये मेरा भाई यहाँ पे सील रख रहा है, क्योंकि मुझे मिक्सर की चटनी आज खानी नहीं थी। तो इधर पे मिर्ची लगी हुई है, तो वो हम जाएंगे मिर्ची तोड़ने, बहुत छोटी छोटी है अभी ये। और नहीं फिर ज्यादा तीखा हो जाएगा ना, इतना काफी है भाई, रहन दे। ये 4 मिर्ची है मेरे पास, आ जा। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची तोड़ ली है, वैसे मिक्सर है लेकिन मिक्सर में मन नहीं होता खाने का, वो भी चटनी है ना घर की। पहले घर में बहुत टमाटर ही होती थी छोटी छोटी। एग्जाम चल रहा है ना, पहले ये पूरा कट कर लूंगी।
और मेरे पास ये नमक है, ये नमक अच्छा लगता है, पीसा हुआ नमक नहीं डालते हैं इसमें, तो ये वाला नमक और कम लगेगा तो हम लास्ट में थोड़ा डाल लेंगे। और देखती हूँ, मैं काफ़ी टाइम बाद इसको पीस रही हूँ तो मुझे ये आएगा कि नहीं। इसकी बात ही अलग आती है। कोई बात नहीं, टेस्ट भी तो आता है ना, पर मैं इतना पीस चुकी हूँ। थोड़ा सा टमाटर कच्चे हैं क्योंकि इसकी थोड़ा सा कच्चे टमाटर की चटनी ना अच्छी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ा कच्चे कच्चे लिए हैं टमाटर। इसको ज्यादा बारीक करूंगी तो अच्छी नहीं लगेगी, है ना छोटू? हाथ नहीं, मैं पानी तो नहीं आ रहा किसी के देख के, नमक कम है कि नहीं पता नहीं। चलो बस बन गया, तो यहाँ पे मेरी बन गई है चटनी, मेरी बन गई है चटनी। थोड़ा सा बड़ी बड़ी बनाई हूँ क्योंकि ये टेस्ट में अच्छी लगती है बड़ी बड़ी। तो अभी हम हो गए हैं रेडी और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे मेरा घर है सिटी में, तो पापा भी जा रहे हैं, मम्मी भी जा रही और सभी लोग जा रहे हैं। सो गाइस, अभी मैंने मम्मी को ले लिया स्कूल से, जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ आज मैं आपको वो स्कूल का भी टूर कराऊंगी, बस बाहर से दिखाऊंगी, मैं अंदर तो नहीं जाऊंगी, पर जिसमें मैंने, हाँ एग्जाम चल रहा है, वहाँ पे मैं समोसे खाती थी जब भी छुट्टी होती थी, रोज तो नहीं बट कभी कभी, जिस दिन पैसे मिल जाते थे मम्मी से उस दिन एक समोसा 5 रुपए का मिलता था तो खा लेती थी। तो ये रहा मेरा स्कूल, अभी बन रहा है ऊपर, और यहाँ पे हम लोग समोसे खाया करते थे जब हमारा लंच हुआ करता था। ये बहुत अच्छा समोसा बनाते हैं, हम लोग यहीं आया करते थे। और फिर से हमारी याद ताजा हो गई, अपने स्कूल के सामने वाला समोसा खाई एंड जलेबी खाई। तो अभी यहाँ पे छुट्टी हुई है तो बच्चे निकल रहे हैं, एक्चुअली मम्मी का मीटिंग है यहाँ पे, मम्मी का ये संकुल केंद्र है तो यहाँ पे आना ही पड़ता है, मीटिंग वगैरह होता है क्योंकि यहाँ पे ये हायर सेकेंडरी स्कूल है और काफ़ी सारे गांव में ये अकेले स्कूल है, तो काफ़ी दूर दूर तक के बच्चे एंड टीचरों का पूरा ये हेड है। तो मैं अपने गांव से 5-6 किलोमीटर दूर यहाँ पैदल चल के आया करती थी स्कूल में। आज फिर से इन बच्चों को देख के मेरी यादें ताज़ा हो गई, हम लोग भी ऐसे ही निकला करते थे। हम लोग वहाँ से बहुत लेट निकल पाए क्योंकि मम्मी को टाइम लग गया मीटिंग में, तो हम लोग वहीं वेट करते रह गए। और अभी हम आए हैं ये टाइल्स की शॉप में, तो वहाँ पे टाइल्स देख रहे हैं और शाम हो गई है।